أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, मैं हूँ मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन. दोस्तों क्लास चल रही है हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की और आज उस सीरीज का हमारा 28वां लेक्चर है. दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अपनी पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था. दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी C++ के हवाले से और उसके लिए जो हमें दो एनवायरमेंट चाहिए थे, डेव C++ और कोड ब्लॉक, उसको हमने इंस्टॉल करना सीखा था. उसके साथ ही मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो हमारा C++ का प्रोग्राम था वो भी लिखना आपको कोड ब्लॉक के अंदर सिखाया. दोस्तों हम इस कोर्स के अंदर मोस्टली जो है वो डेव C++ का इस्तेमाल करेंगे और अपने जो मोस्टली प्रोग्राम है वो अपने डेव C++ के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है वो मैंने कोड ब्लॉक भी यूज किया है कि आप जो है वो C++ के प्रोग्राम सिर्फ डेव C++ में नहीं बल्कि आप कोड ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हैं और उसकी मैंने आपको आउटपुट भी दिखाई थी. दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया, कंडीशनल स्टेटमेंट के हवाले से, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इफ और एल्फ जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली होती क्या हैं. दोस्तों हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत सारी जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसको अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि हमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं. जैसे अगर हम बाजार जा रहे हैं तो हमें कहा जाता है कि अगर दूध की दुकान खुली हो तो वापसी पर दही लेते आना. अब इसमें देखें एक कंडीशन है कि अगर दूध की दुकान खुली हो तो ये हमारी एक कंडीशन है कि अगर दूध की दुकान खुली है तो हमने दही लाना है. इसके साथ ही दूसरी स्टेटमेंट देखें, अगर रेलवे स्टेशन पर टिकट घर खुला हो तो मेरी टिकट लेते आना. अब इसमें भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर टिकट घर खुला हो तो मेरी टिकट लेते आना. इसी तरह अगर हम तीसरी स्टेटमेंट को देखें, अगर स्कूल बंद हो तो आप घर वापस आ जाना. इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर स्कूल बंद है तो आप घर वापस आ जाना. दोस्तों C++ के अंदर हम लोग जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए जो है वो इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है वो समझाने की कोशिश करता हूं. दोस्तों C++ का जो इफ एल्स का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है. इसमें देखें हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट शुरू, उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट शुरू, फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट आनी चाहिए, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर हम एल्स लिखते हैं, करली ब्रैकेट ओपन, फिर हम स्टेटमेंट टू लिखते हैं और फिर करली ब्रैकेट क्लोज. इस तरीके से हम लोग जो है इफ एल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं और C++ के अंदर लिखते हैं. दोस्तों आज की ही इसी क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम की मदद से जो है ये इफ एल्स का स्ट्रक्चर समझाऊंगा. अभी हम लोग जो है एक सैंपल प्रोग्राम देख लेते हैं जिसके अंदर ये इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है वो यूज होता है. हम लोगों ने करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू स्टूडेंट मोहसिन एंड अहमद एंड असाइन द एजेस टू देम. हमने जो है दो स्टूडेंट लेने हैं, एक मोहसिन लेना है, एक अहमद लेना है और इनको एक पर्टिकुलर एज जो है वो असाइन करनी है. एंड कंपेयर देम एंड टेल हु इज ओल्डर, और फिर हमने उनको कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इफ एंड एल्स स्ट्रक्चर, और फिर हमने ये भी बताना है कि इसमें से कौन जो है वो बड़ा है. इफ द मोहसिन इज हायर एज देन द अहमद देन प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन, मोहसिन इज ओल्डर देन अहमद. अगर मोहसिन की एज जो है वो अहमद की एज से ज्यादा है तो हमने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है मोहसिन इज ओल्डर देन अहमद. अदरवाइज प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज अहमद इज ओल्डर देन मोहसिन. यहाँ पे मोहसिन आना है तो यहाँ पे हमने ये दो जो है वो मैसेज प्रिंट करके दिखाने हैं. तो चलिए दोस्तों मैं आपको जो है वो डेव C++ के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ कि कैसे हमने इसको विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इफ एंड एल्स स्ट्रक्चर हम इस प्रोग्राम को कैसे राइट डाउन करते हैं C++ के अंदर. लगाएंगे और लिखेंगे इंक्लूड इन
इंक्लूड, और फिर उसके अंदर हमने इंक्लूड करना है आईओ स्ट्रीम, और फिर हमने लिखा जी यूजिंग नेम स्पेस एफ टी डी। ये हम वो लाइब्रेरी यूज कर ली है। उसके बाद हमारा जो है वो मेन प्रोग्राम शुरू हो जाता है। हमने लिखा मेन, ये हमने मेन की ब्रैकेट लगाई, और फिर ये हमारी करली ब्रैकेट जो है वो मेन की आ गई। अब इसके अंदर हमने देखें, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो कमेंट लगा देते हैं जी डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इंट हमने लिखा जी ऑफिन एज, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और फिर हमने कहा जी अहमद एज, ये हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर। अब हमने वैल्यू असाइन करनी है तो हम कमेंट लिख लेते हैं जी असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल, ये हमने एक कमेंट लिखा, और यहाँ पे हमने ये वाला वेरिएबल कॉपी किया, और यहाँ पेस्ट करने के बाद हमने इसको वैल्यू दे दीजिए 10। उसके बाद हमने अहमद वाला वेरिएबल लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अहमद वाले वेरिएबल को हमने दे दिया 5। अब हमने वो इफ एल्स वाला कंडीशन अप्लाई करनी है। हमने लिखा जी इफ, और हमारे पास कंडीशन आएगी, कंडीशन में हमने देखे मोहसिन की एज को कंपेयर करना है अहमद की एज के साथ, तो हमने लिखा मोहसिन एज ग्रेटर देन अहमद एज, अगर वो अहमद की एज से ज्यादा है तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गई, और करली ब्रैकेट के अंदर हमने फिर उसकी स्टेटमेंट डालनी है जी। वो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने वही सी आउट लेफ्ट देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग वो अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा मोहसिन इज ओल्डर देन अहमद, अगर हमारी एज जो है वो बड़ी है अहमद की एज से, तो ये वाला मैसेज हमें स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ने इस प्रोग्राम को सेव किया, फिर सेव करने के बाद हमने इसको करना है जी कंपाइल। कंपाइल करने के लिए F9 या यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ये हमने क्लिक किया, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है जी। कंपाइलेशन पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे देखें एरर हमारे पास 0 है, वार्निंग भी 0 है, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। हम इसको रन करते हैं जी F10 से, ये यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे देखें हमने मोहसिन की एज को 10 असाइन किया था, अहमद की एज को 5 असाइन किया था, तो अब हमारे पास जो मैसेज है मोहसिन इज ओल्डर देन अहमद, ये हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। ये तो है एक इफ स्टेटमेंट। अब हम दूसरी इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो क्या है जी इफ ब्रैकेट शुरू, इसमें हम कंडीशन लगाते हैं मोहसिन एज लेस देन अहमद एज, अगर मोहसिन की एज लेस देन है अहमद की एज से, तो हमें जो है वो प्रिंट कर दे, यही सी आउट वाली ऊपर वाली कमांड मैं कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने लिखा अहमद इज ओल्डर देन मोहसिन, ये हमने प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर वैल्यूज भी हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, हमने मोहसिन की एज पे 5 असाइन कर दिया, अहमद की एज पे हमने 10 असाइन कर दिया। ये पहले वाला प्रोग्राम हम बंद कर देते हैं, इसको हम जो है दोबारा सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हम इसको करेंगे रन, और फिर देखेंगे कि हमारे पास कौन सी इफ वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होती है। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे अहमद इज ओल्डर देन मोहसिन आ गया, क्योंकि हमने जो है वो वैल्यूज यहाँ पे चेंज की हैं। यहाँ पे हमने 5 किया, मोहसिन जो है वो छोटा हो गया, अहमद जो है वो बड़ा हो गया। अब ये है एक प्रोग्राम के अंदर हमने दो इफ स्टेटमेंट यूज किए। अब एक प्रोग्राम के अंदर हम जितनी मर्जी इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं टू कंपेयर दी टू वैल्यूज, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज को कंपेयर किया। अब हमने जो है आज की क्लास के अंदर दे पढ़ा है इफ और एल्स का स्ट्रक्चर। अब जहां पे दो कंडीशंस हो, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि मोहसिन की एज अगर बड़ी है अहमद की एज से, तो ये प्रिंट कर दो। अदरवाइज जो है जहां पे कंडीशन ना आ रही हो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एल्स। तो वो एल्स कैसे यूज करते हैं उसका भी मैं आपको तरीकेकार बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारी दूसरी इस वाली स्टेटमेंट है, इस सारी को अभी फिल वक्त जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे एल्स। तो ये हमारी डिलीट हो गई, ये है हमारी इफ वाली पहले वाली। अब यहाँ पे देखें
थोड़ी सी वैल्यूज हम वही वापस कर लेते हैं 10, और अहमद की एज जो है वो हम 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने कंडीशन लगाई है मोफिन एज इज ग्रेटर देन अहमद एज। अगर मोफिन की एज ज्यादा है अहमद की एज से तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हम लगाएंगे एल्स। ठीक है जी, एल्स हमने लिखा और फिर हमने करली ब्रैकेट लगाई, और उस करली ब्रैकेट के अंदर हमने दूसरा मैसेज लिखना है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो उसमें हमने लिखा है अहमद इज ओल्डर देन मोफिन। अब यहाँ पे हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमने इसको दोबारा कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद दोबारा हम इसको जब कंपाइल हो जाता है तो हम रन करेंगे और देखेंगे हमारे पास, अब यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है जी मोफिन ओल्डर देन अहमद, क्योंकि मोफिन की एज हमने ज्यादा रखी हुई है। यहाँ पे हम एज थोड़ी सी चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमने 5 लिखा और यहाँ पे हमने 15 लिखा, अब अहमद बड़ा हो गया। तो अब देखें हमारी एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको दोबारा सेव करते हैं, इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम दोबारा उसको देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे। हमने इसको रन किया, रन जब किया तो अब देखें हमारे पास ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है अहमद इज ओल्डर देन मोहसिन, ये यहाँ पे प्रिंट हो रही है बिकॉज अहमद की जो है वो बड़ी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की क्लास। हम क्विकली समराइज करने से पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दे देता हूँ। एक्सरसाइज क्या है जी, अ शॉपिंग स्टोर ऑफर डिस्काउंट टू देयर कस्टमर। एक शॉपिंग स्टोर है वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ऑन द फॉलोइंग रेट। फॉलोइंग रेट के ऊपर इफ बिल इज ग्रेटर देन 5000, अगर उनका जो बिल है वो बनता है 5000 से ज्यादा, इट गिव 10% डिस्काउंट, वो उन्हें 10% डिस्काउंट दे देता है। इफ बिल इज एक्सीड 10,000 देन स्टोर विल गिव 15% डिस्काउंट टू देम, अगर 10,000 से ज्यादा बनता है तो फिर वो 15% डिस्काउंट देता है। इफ बिल इज ग्रेटर देन 20,000 देन द डिस्काउंट रेट विल बी 20%, अगर हमारा जो बिल है वो 20% बनता है तो फिर हमारा जो डिस्काउंट 20,000 से ज्यादा बनता है तो वो हमारा डिस्काउंट 20% है। हमने करना क्या है, राइट अ फी प्रोग्राम, हमने फी प्रोग्राम लिखना है विच टेक अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम यूजर, जो यूजर से बिल की अमाउंट लेगा, एंड कैलकुलेट द पेएबल अमाउंट, वो पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करेगा बाय अप्लाइंग द अबव डिस्काउंटेड क्राइटेरिया एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन, और फिर वो हमें स्क्रीन पे दिखाएगा। दोस्तों इस एक्सरसाइज को हल करने का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो ये है कि आपने फी इन यूज करके आपने यूजर से वैल्यू बिल की गेट कर लेनी। अब जो वैल्यू आपके पास आएगी जिस वेरिएबल के अंदर आपने उसको स्टोर किया हुआ है, उसको आपने इफ कंडीशन देनी है कि इफ जो वो वैल्यू गेट किया ग्रेटर देन आपकी 5000, तो देन जो है वो आपने जो वेरिएबल लिया है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, डिवाइड करना है 100 के साथ अगर वो 5000 से ज्यादा है, और फिर आपने कंडीशन लगानी है अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो फिर 15% से, और अगर वो 20,000 से ज्यादा है तो फिर आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, तो आपके पास पेएबल अमाउंट आ जाएगी। तो ये हिंट आप लोग घर चाहिए, आप लोग ये फी प्रोग्राम लिखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये प्रोग्राम लिख लेंगे। ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास की समझ आ गई होगी। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की, इफ एंड एल्स का हमने स्ट्रक्चर देखा, और दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें जिनका ये सब्जेक्ट है ताकि उनको भी फायदा हो, और मेरे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।